नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे साई वास्तु रमणी चैनल में। और आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने घर के मेन एंट्रेंस यानी कि वास्कल और चौखट की पूजा करते समय किन टाइप के वास्तु रेमेडी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि उनमें एनर्जी का फ्लो हमेशा बना रहे और जो सक्सेस के अवसर है वो आपको हमेशा मिलते रहे। जैसे वास्तुशास्त्र में मेन एंट्रेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज दोनों ही आपके मेन एंट्रेंस से एंटर और एग्जिट होती है। इसी कारण जब हम वास्कल यानी कि मेन एंट्रेंस की पूजा करते समय आपको कुछ वास्तु रेमेडी के प्रोडक्ट्स रखने चाहिए ताकि यह उनमें पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करे। जैसे कि वास्तु में मेन एंट्रेंस नॉर्दर्न साइड में N3 एंड N4 में, ईस्टर्न साइड में E3 एंड E4, इसी तरह साउथ में S3 एंड S4 और वेस्ट डायरेक्शन में W3 एंड W4 में ही सबसे पॉजिटिव मेन गेट्स माने जाते हैं। और हम इन एनर्जीज को और एनहांस और बूस्ट करने के लिए कुछ रेमेडी के प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर के वास्कल यानी कि आप अपने घर के चौखट में जब भी कोई वास्तु के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तब आपको उन्हें कभी भी सेंटर में नहीं प्लेस करने चाहिए, क्योंकि और अगर आपको होलसेल या फिर बल्क में कोई भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हैं, चाहे वो पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, हीलिंग सिंबल्स, वास्तु, रेकी, ब्रेसलेट्स या फिर किसी भी तरह के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं तब आप उनकी फोटोज नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर सकते हैं। आपको ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे शोरूम में अवेलेबल हो जाएंगे। जाने अनजाने कोई भी गेस्ट अगर घर के बीच में चौखट पे स्टेप करते हैं तब इनके नीचे जो सामान रखे गए हैं उनमें नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। इसी कारण आप सारे प्रोडक्ट्स या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में ही प्लेस कीजिए। सबसे पहला प्रोडक्ट है यह ब्रास से बनाया हुआ स्वास्तिक। स्वास्तिक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव सिंबल माना जाता है और यह आपको अपने चौखट के लेफ्ट या राइट में प्लेस करना चाहिए ताकि आपका मेन एंट्रेंस हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करे। इसी तरह आप यह वास्तु पुरुष भी रख सकते हैं ताकि आपके घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष उत्पन्न ना हो। और जब आप इसे प्लेस करेंगे तब वास्तु पुरुष का हेड हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए और इनका फुट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करना चाहिए। इसी तरह आप यह सिंबल भी प्लेस कर सकते हैं। यह आपके माइंड को शार्प करता है, आपके मेमोरी पावर को एनहांस करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर और फोकस लेवल को इंक्रीज करता है, आप में हमेशा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जैसे गुणों को बढ़ाता है। चौथा सिंबल है जियोपैथिक सिंबल। यह सिंबल आपके घर के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस और उन जियोपैथिक रेडिएशंस को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। इसी तरह आप ये नवग्रह के स्टोन्स भी अपने घर के मेन एंट्रेंस पूजा के समय अपने चौखट यानी वास्कल के नीचे रख सकते हैं और ये 5 एलिमेंट के मेटल्स भी रख सकते हैं ताकि आपके घर में 5 एलिमेंट्स और नवग्रह हमेशा बैलेंस्ड रहे। इसी तरह आपको चौखट यानी आपके घर के वास्कल में कॉपर का सर्कल आपको नेल करना है ताकि यह घर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। आपको वास्तु दोष निवारण यंत्र भी रखना है ताकि आपके घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष के नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक हो जाए। आप यह 3 लेयर्ड ब्रास के पिरामिड भी रख सकते हैं, क्योंकि पिरामिड्स कॉस्मिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखता है। अगर आपका मेन डोर नॉर्दर्न साइड में है तब आपको एमरल्ड यानी पन्ने को अपने मेन एंट्रेंस के वास्कल के नीचे रखना है ताकि यह नॉर्थ डायरेक्शन बुध ग्रह के एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आपको बिजनेस और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी ना आए और आपको बिजनेस में ग्रोथ और जॉब से प्रमोशन हमेशा मिलती रहे। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका मेन एंट्रेंस है तब आपको अपने हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज। पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपने घर का प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आपको सारे रेमेडीज हमारे शोरूम में ही मिल जाएंगे। मेन एंट्रेंस के नीचे येलो सैफायर का स्टोन रखना चाहिए ताकि यह गुरु प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको अपने करियर में नॉलेज हमेशा मिलती रहे। इसी तरह ईस्ट डायरेक्शन में आपको रूबी का स्टोन रखना चाहिए अपने वास्कल के नीचे, अपने चौखट के नीचे, ताकि यह सन प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डायमंड आपको रखना चाहिए ताकि यह शुक्र प्लैनेट के गुणों को आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग बनाए। साउथ डायरेक्शन में मूंगा आपको रखना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु यानी कि गोमेद का स्टोन
अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन के मेन एंट्रेंस के चौखट में रखना चाहिए। इसी तरह वेस्ट डायरेक्शन यानी शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीलम का स्टोन आप मेन एंट्रेंस के वास्कल में रख सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका मेन एंट्रेंस बनाया गया है तब आपको मून स्टोन रखना चाहिए, ताकि मून रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आपको हमेशा मिलती रहे। अगर आपका मेन डोर नॉर्दर्न साइड यानी कि वाटर एलिमेंट में है तब आपको अमेथिस्ट के स्टोन्स अपने वास्कल के नीचे रखना है, ताकि आपके जीवन में वाटर एलिमेंट संबंधित गुणों को स्ट्रॉन्ग बनाए। इसी तरह अगर आपका ईस्टर्न साइड में है तब आपको एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने घर के मेन एंट्रेंस के वास्कल के नीचे यानी चौखट के नीचे ये ग्रीन एडवेंचर का स्टोन्स रख सकते हैं, ताकि आपके जीवन में एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करें और एयर एलिमेंट से संबंधित गुणों को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आपका मेन एंट्रेंस साउथ ईस्ट और साउथ में है तब आपको फायर एलिमेंट को इंक्रीज करने के लिए ये रेड स्टोन्स अपने घर के मेन एंट्रेंस के चौखट के नीचे रखने हैं, ताकि ये फायर एलिमेंट को इंक्रीज करे और इससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे। साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मेन एंट्रेंस है तब आपको चौखट के नीचे येलो एवेंचुराइन के स्टोन्स रखने चाहिए, और अगर आपका मेन एंट्रेंस वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है तब आपको व्हाइट कलर के स्टोन्स अपने चौखट के नीचे रखने हैं, और आप अपने मेन एंट्रेंस में यह ब्रास का स्वास्तिक पिरामिड आपको हैंग करना है, ताकि यह पॉजिटिव एनर्जीज और प्रॉस्पेरिटी को के जीवन में अट्रैक्ट करें। इसी तरह अगर दृष्टि या फिर ईविल आई आपके घर तब आपको अपने मेन एंट्रेंस के अपर साइड में या ब्लैक टर्मलिन का ग्रेप्स हैंग करना है, क्योंकि ब्लैक टर्मलिन नेगेटिव एनर्जीज और ईविल आई यानी दृष्टि और जेलेसी को खत्म कर देता है। आप यह ब्लैक टर्मलिन के रॉ स्टोन अपने मेन एंट्रेंस के साइड में रख सकते हैं, ताकि किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में एंटर ना हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाए।